फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवाइसेस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, नीटू जी की काउंसलिंग कल से स्टार्ट होने जा रही है। नए रूल्स एंड रेगुलेशन भी आप लोगों के सामने आ चुके हैं। इस बार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, इसमें एक रूल अभी तक भी फाइनल नहीं है कि जो अपग्रेड का जो मौका फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड तक मिलता था कि वो सेकेंड से थर्ड तक जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। बट जो सेकेंड इसका क्लॉज है कि जो राउंड नंबर फोर की जो काउंसलिंग, स्पेशली जो डीम यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती थी, वो कॉलेज ना करके अब ये काउंसलिंग खुद MCC करेगा ऑनलाइन मोड पे और बच्चों को अलॉटमेंट देगा। जो भी NRI सीट की जो वैकेंट सीट्स हैं, NRI कैटेगरी की जो सीट्स वैकेंट जाएंगी, वो थर्ड कैटेगरी से ही चेंज कर दी जाएंगी। जब जैसे NRI के बच्चे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद उनको UR वाले बच्चों को वो NRI सीट दे दी जाएंगी, और अगर माइनॉरिटी कॉलेज में सीटें बची तो वो भी दे दी जाएंगी। इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है, बिकॉज काफ़ी स्टेट्स में जो थर्ड राउंड तक की जो काउंसलिंग होती है, जिसको महोब राउंड हम बोलते हैं, उस समय तक नियर अबाउट 70% बच्चे अपने एडमिशन ले चुके होते हैं अपने स्टेट में, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर या पहले फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के अंदर। तो अगर ये नियम जैसे ही एप्लीकेबल होगा तो राउंड नंबर थ्री में हर कॉलेज में लगभग 23 से 24 सीटें NRI कोटा की सीटें रहती हैं, और मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जहाँ पर NRI कोटा की सीटें खाली रहती हैं। इससे ये पता चल रहा है कि इस बार मॉपअप राउंड में नियर अबाउट 800 से 1000 सीटें डीम में और एडिशनल इंक्रीज हो जाएंगी नॉर्मल वाले मैनेजमेंट वाले इंडियन UR बच्चे को, जिसकी वजह से जो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज डीम के जो कॉलेजेस हैं उनमें मॉपअप राउंड में आपको कट ऑफ फिर से नीचे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हर साल का एक रूटीन पैटर्न चलता है काउंसलिंग का कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हाई होती है, सेकंड राउंड में सबसे डाउन होती है, और मॉपअप राउंड में कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है। ये डीम का जनरल पैटर्न चलता है, लेकिन इस बार 2023 की यूनिट UG की काउंसलिंग होने वाली है MCC के पोर्टल के ऊपर, उसमें राउंड नंबर थ्री और राउंड नंबर फोर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े डीम यूनिवर्सिटीज़ में, हमदर्द मेडिकल कॉलेज के अंदर, NGSS के अंदर, अमृता के अंदर, रामाचंद्रा के अंदर, भारतीय विद्यापीठ, DY पाटिल, इन सभी के अंदर सब सीटें एकदम से आ जाएंगी, और उन सीटों के ऊपर नॉर्मल वाला बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। तो ये काफ़ी एडवांटेज रहेगी बच्चों के ऊपर। तो जो बच्चों को सीट नहीं मिल पा रही है, अगर आप वेट कर रहे हो मॉपअप राउंड तक जा रहे हो डीम के लिए, तो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी, और उस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको मॉपअप राउंड में अच्छे कॉलेजेस लो स्कोर पर देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल NRI की सीट ब्लॉक है, उसको सिर्फ NRI वाले बच्चे ही काउंसलिंग में डाल सकते हैं, लेकिन जैसे वो सीट ओपन हो के आएगी तो जो भी बच्चे ने सपोज कर लो 250 के ऊपर कोई कॉलेज डाल के रखा है, जो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के अंदर वो कॉलेज 380 या 370 पे क्लोज हो रहा है, फॉर एग्जांपल भारतीय विद्यापीठ, तो वहाँ पे भी आपको सीट मिलने की चांसेस बन सकती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, हर एंगल से स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, स्टूडेंट्स को इसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस बार की जो क्लोजिंग काउंसलिंग रहेगी MCC की, उसमें भी स्टूडेंट को अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर UGC काउंसलिंग।